नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। गायत्री शक्तिपीठ गोल पहाड़ी जमशेदपुर टाटानगर में 5 दिवसीय व्यक्तित्व परिष्कार आवासीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के व्यक्तित्व विकास, नारी सम्मान, स्वास्थ्य संदर्भ, बाल संस्कार, नारी जागरण, स्वावलंबन एवं मंत्र का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य प्रशिक्षण के रूप में ऑफलाइन मोड में आचार्य शायन मंडल, संतोष कुमार महतो, तारामती महतो, ऑनलाइन मोड में हरिद्वार से डॉक्टर ओपी शर्मा, डॉक्टर गायत्री शर्मा ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। इस संबंध में टाटानगर शाखा के प्रमुख सह प्रांतीय प्रचारक के प्रभावक राव ने बताया कि उक्त शिविर का उद्देश्य बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार का संचार करना और व्यक्तित्व निखार करना था। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बुरी संगतियों में आकर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इस शिविर में माध्यम से बच्चों का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होगा और वे सद्गति के मार्ग पर चलेंगे, तभी विश्व का कल्याण होगा और विश्व गायत्री परिवार का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने बताया कि शिविर में न केवल गायत्री परिवार बल्कि जमशेदपुर के आसपास के सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने भी शिकायत की। उन्होंने गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ बताया और कहा, इस मंत्र के जाप से ही विश्व का कल्याण होगा। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से मनमन पांडे की रिपोर्ट। गायत्री परिवार की ओर से, टाटानगर शाखा की ओर से, ये बच्चों को संस्कार के लिए या व्यक्तित्व को निखारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ओर से जो विचारों को बदली करना, युग निर्माण योजना में विचारों में प्रदूषण हुआ है, तो इसलिए इस बच्चों को छोटे रूप में भी, छोटे से ही इनके सद्विचार को स्थापित करने के लिए मूलतः गायत्री मंत्र को, जो सद्बुद्धि की देवी है, जो सन्मार्ग से प्रेरित करती है, इसी को उनके मन में बैठाने के लिए, उनके मन के और भाव को बढ़ाने के लिए हमारे गायत्री शक्तिपीठ टाटानगर की ओर से, शांति कुंज हरिद्वार की ओर से, जो हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं और चिन्मय जी पंड्या जी हैं, उन लोग के मार्गदर्शन में छोटे छोटे बाइट बना के 3 दिनों से इन लोग को मार्गदर्शन किया जा रहा है और आज अंतिम दिन है और इनको हम लोग हर साल इसी तरह समर कैंप के रूप में व्यक्तित्व परिष्कार, नारी जागरण इत्यादि इस तरह के कामों में, इस तरह के बातों में इन लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रशिक्षण में कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं? ये पश्चिमी सिंहभूम से आए हैं, सरायकेला खरसवा के हैं, पूर्वी सिंहभूम के हैं, उधर पटमदा, इसी से पटमदा से भी आए हैं और चकुलिया से भी आए हैं। केवल गायत्री परिवार के ही बच्चे? गायत्री परिवार नहीं है, ये लोग गायत्री परिवार से दिया हुआ संस्कार कभी किसी जगह उन लोग गायत्री मंच से दीक्षित हुए या नहीं है, सभी लोग इसमें, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उनको सद्विचार को स्थापित करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन कुछवर बोले हैं कि छोटे से मंत्र में जोड़ने के लिए, अब वसुदेव कुटुंबकम को, गायत्री परिवार को गायत्री मंत्र से जोड़ने के लिए, जो सबके विचारों को, प्रदूषण को दूर करती है, वही गायत्री मंत्र सबके मन में, सबके दिमाग में, सबके दिल में स्थापित करने के लिए ये योजना बनाई है। मेरा नाम के प्रभाकर राव हुआ, हम प्रांतीय समन्वयक हैं पूरे झारखंड के गायत्री परिवार के।